हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज बनाते हैं ये सुपर चीज़ी एंड सुपर यमी चीज़ी चिकन ब्रेड्स। इसे बनाना बहुत आसान है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। इस तरीके से बनाने पर आपकी ब्रेड्स भी बहुत सॉफ्ट बनकर रेडी होगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बोल के अंदर लिया है ल्यूकवॉर्म मिल्क। उसके अंदर 1.5 टीस्पून जितनी मैंने शुगर ऐड की है, एक अंडा और 2 टीस्पून जितने मैंने इंस्टेंट यीस्ट यूज़ की है। जो यीस्ट मैंने यूज़ किया वो इंस्टेंट है। इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें 1 टीस्पून जितना सॉल्ट ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन लिया है और उसमें 2 कप्स जितना मैदा लिया है। अब हमने जो यीस्ट का मिक्सचर रेडी किया था उसको ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे कुछ इस तरह। अब 2 टीस्पून जितना ऑयल ऐड कर इसे अच्छे से नीट करना है 8 से 10 मिनट तक। जब तक कि हमारा डो एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक इसे हम नीट करेंगे। अब हमारा डो भी है वो एकदम सॉफ्ट बनकर रेडी है। अब मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया है, इसके अंदर ऑयल अप्लाई कर लेना है और हमारे जो डो है उसको बीच में प्लेस कर लेंगे और क्लिंग रैप या कोई कपड़े की मदद से आप ढक कर थोड़ी सी गर्म जगह पर रखें। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक, जब तक हमारा डो है वो साइज़ में डबल नहीं हो जाता। अब जब तक हमारा डो रेडी हो रहा है तब तक हम चिकन की फिलिंग रेडी कर लेंगे। ये फिलिंग मैंने थोड़ी सी अलग तरीके से बनाई है। इसके लिए ऑयल के अंदर ओरिगैनो और चॉप्ड गार्लिक को ऐड करना है और थोड़ा सा भून लेना है गोल्डन होने तक। अब एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने यहाँ पर एकदम पतला पतला चॉप कर लिया है। प्याज को भी थोड़ा सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना, सिर्फ थोड़ा सा हल्का कलर आ जाए तब हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम्स चिकन को मिक्सर में थोड़ा सा मोटा पीस लिया था। अगर आप चाहे तो चिकन के स्ट्रिप्स भी ऐड कर सकते हैं पतली पतली, और चाहे तो बॉईल कर चिकन को स्ट्रेट कर भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अब चिकन के अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर को ऐड कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद पैन की लीड को कवर करके 2 से 3 मिनट तक पकाना है। अब 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने 1/2 कैप्सिकम को चॉप करके लिया है और 1/4 कप बॉइल्ड कॉर्न ऐड किए हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो गाजर भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने 2 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस एंड 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स एंड सोया सॉस ऐड की है 1 टीस्पून। इसे मिला लेंगे। अब इसमें रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून एंड 1 टीस्पून विनेगर को डालकर मिक्स कर लेना है। अब 1 टीस्पून केचप ऐड करेंगे और मिक्स कर लेना है। अब 1/4 कप मिल्क ऐड करेंगे एंड 1/4 कप चीज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमारी टेस्टी सी फिलिंग बनकर रेडी हो गई है और यहाँ पर हमारा डो भी बहुत अच्छे से राइज होकर रेडी है। डो को हम पंच डाउन कर लेंगे और थोड़ा सा रफली गूंद लेंगे जिससे हमारे डो के अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा एयर होगी तो निकल जाएगी। और यहाँ पर डो को काउंटर पर लेके सेम हिस्सों में डिवाइड कर लेना है कुछ इस तरह से। अब डो का एक बॉल लेकर इसे बेल लेना है। इसे यहाँ पर मैंने कुछ रेक्टेंगुलर शेप में बेला है और साइड्स में इस तरह कट्स लगा लेने हैं। कुछ इस तरह से साइड्स में हमने कट लगा लिए हैं। तो ब्रेड के सेंटर में अब हम रखेंगे हमारी प्रिपेयर की हुई फिलिंग कुछ इस तरह और ऊपर से चीज़ ऐड करेंगे
कुछ इस तरह। अब हमारी जो ब्रेड की किनारी है उसके ऊपर हम पानी ब्रश करेंगे, जिससे ये किनारे आपस में चिपके रहेंगे और जब आप इसे बेक करेंगे तब वो खुलेंगे नहीं। अब ब्रेड के ऊपर की साइड को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और बस इस तरह से आपने अल्टरनेट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए स्ट्रिप्स को बड़ी ही खूबसूरती से जोड़ते जाना है, कुछ इस तरह से। नीचे की साइड को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। और इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार हमारी एक ब्रेड बनकर रेडी है। इसी तरह से मैंने दूसरी ब्रेड्स को भी रेडी कर लिया है। अब ब्रेड के ऊपर एक योक को इस तरह ब्रश की मदद से अप्लाई करेंगे फॉर नाइस गोल्डन कलर। ऊपर से थोड़ी सी कलौंजी छिड़केंगे, अगर आपके पास तिल हो तो आप तिल भी छिड़केंगे तो वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। और यहाँ पर मैंने दो छोटी छोटी सी ब्रेड्स को भी बनाकर रेडी कर लिया था। अब ब्रेड को 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे 180 सेल्सियस पर। और बेक होने के बाद देखिए कितनी प्यारी लग रही है, कितनी टेस्टी। इसके ऊपर बहुत खूबसूरत कलर भी आया है। आप चाहे तो इन ब्रेड को कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। इसे कढ़ाई में 30 से 35 मिनट लगेंगे बेक होने पर। और आपकी चिकन चीज़ी ब्रेड्स बनकर रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।